नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक रिमोट ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप इस सिंगल स्विच ऑन ऑफ सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। उस लिंक पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम इसी सर्किट से एक रिमोट ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच सर्किट बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें सर्किट में यहां पर ये जो स्विच हमने लगाया है, इस स्विच को हम निकाल देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ और सर्किट के इस पॉइंट को हम रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद रिले के इस पॉइंट को हम सर्किट के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक BC557 ट्रांजिस्टर, एक TSOP और एक 100UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस TSOP का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम इस TSOP के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम इस TSOP के आउट पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम इस TSOP के नेगेटिव पॉइंट के साथ और रिले के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद तीसरा तार का टुकड़ा हम इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक रिमोट ऑपरेटेड ऑन ऑफ स्विच सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।